The food arrived. Sir मुल्ला नसरुद्दीन first said the rich man. Rich man ने कहा कि भोजन आ गया. Then rich man ने कहा कि पहले सबसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन को सर्व करो. The मुल्ला smiled at everyone. मुल्ला जो था वो हर एक के ऊपर हंस रहा था. Then he began to get busy with his food, but he did not eat. तभी जब वह खाना खाने में सब अपने खाने के साथ में बिजी हो गए, बट ही डिड नॉट ईट, लेकिन उसने नहीं खाया. हाय हाय क्राइड द गेस्ट, चिल्लाया हाय हाय ये क्या. मुल्ला साहेब व्हाट आर यू डूइंग, मुल्ला साहेब आप क्या कर रहे हो. क्राइड द रिच मैन, रिच मैन ने बोला. फॉर मुल्ला नसरुद्दीन हैड बिगन टू स्पून द सूप ओवर हिज बेस्ट कैप. मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया कि अपनी जो बेस्ट कैप उसने पहनी हुई थी उसके ऊपर उसने एक स्पून सूप डाल दिया ऊपर, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया ना, ऐसे ऐसे उसने स्पून वन स्पून सूप डाल दिया. एंड ही क्रम्बल्ड द ब्रेड एंड स्प्रिंकल्ड द क्रम्स ओवर द शोल्डर्स ऑफ हिज हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट. और उसके बाद उसने ब्रेड लिया, उसको क्रम्बल किया और उसके बाद में उसको अपने हैंडसम जो हाई कॉलर्ड कोट पहना हुआ था उसके शोल्डर के ऊपर स्प्रिंकल मतलब डाल दिया, छिड़क दिया. ही टूक अपार्ट द शीश कबाब एंड फेड इट लविंगली टू हिज स्लीव्स. और जो शीश कबाब था खाने में उसको उसने प्यार से अपनी स्लीव्स के ऊपर डाल दिया, उसको खिलाने लगा अपनी स्लीव्स को. तो ये सब देख के रिच मैन ने पूछा कि मुल्ला साहब से कि व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि वो खुद नहीं खा रहा था, सारी अपनी जो सारी चीजें थी वो अपने कपड़ों को खिला रहा था, कैप को है ना, कोट में स्लीव्स में शोल्डर में कोट के ऐसे. तो द मुल्ला रिप्लाइड, तो जब ये सब देख के रिच मैन ने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, देन द मुल्ला रिप्लाइड, मुल्ला ने रिप्लाई किया कि व्हेन आई अराइव्ड इन रैक्स यू टर्न मी अवे, नाउ दैट आई एम ड्रेस्ड अप इन फाइनरी यू ट्रीट मी विद ऑनर. मुल्ला ने रिप्लाई किया कि जब मैं पुराने कपड़ों में आया था तो आपने मुझे वापस भेज दिया था, अब जब मैं ड्रेस होके अच्छे से क्लोथ्स में एक्सपेंसिव क्लोथ्स के साथ में मैं आया हूँ तो यू ट्रीट मी विद ऑनर, तो आप मुझे ऑनर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं. जब मैं पुराने कपड़ों में आया था तो आपने मुझे वापस जाने को बोला था, अब जब मैं न्यू ड्रेस पहन के एक्सपेंसिव ड्रेस में आया हूँ तो आप मुझे सम्मान दे रहे हैं. क्लियरली इट इज़ माई क्लोथ्स यू आर वेलकमिंग एंड नॉट मी, तो इस बात से तो क्लियर है कि आपने मेरे क्लोथ्स का वेलकम किया है, मेरा नहीं. सो इट इज़ ओनली फिटिंग दैट दे शुड ईट दिस डिलाइटफुल फूड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर देम. तो ये बिल्कुल फिट है कि केवल हमें अपने कपड़ों को ही खाना खिलाना चाहिए जो कि आपने उन कपड़ों के लिए ये जो भोजन है वो तैयार किया है फूड, क्योंकि आपने कपड़ों के लिए भोजन रेडी करवाया है मेरे लिए नहीं, इसीलिए आपने मुझे जब मैं पुराने कपड़ों में आया था तो वापस भेज दिया था, अब मैं जब एक्सपेंसिव ड्रेस में आया हूँ तो आप मुझे ऑनर दे रहे हैं. तो द रिच मैन हंग हिज हेड इन शेम, तो रिच मैन का जो सिर था वो शर्म से झुक गया. ही सेड मुल्ला साहब फॉरगिव मी, मुल्ला साहब आप मुझे माफ कर दीजिए. आई वॉज ब्लाइंड, मैं अंधा था. आई सॉ ओनली योर क्लोज एंड कुड नॉट रिकॉग्नाइज द वेयरर, मैंने सिर्फ आपके कपड़ों को देखा इसलिए मैं पहनने कपड़ों को पहनने वालों को रिकॉग्नाइज नहीं कर सका. I will never again judge people by how they look or by the clothes they wear. अब मैं कभी भी दोबारा ऐसे लोगों को कपड़ों से जज नहीं करूँगा कि वो लोग क्या पहने हुए हैं. And in truth he never did. और सच में उन्होंने वैसा कभी भी नहीं किया. तो this lesson story retold by Uma Krishna Swami.